ओम नमः शिवाय। आज हम हिना खान जी की कुंडली लेकर आए हैं और जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। और उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1987 और आज के दिन ही इनका जन्मदिन है। तो मैं सब ढेर सारी शुभकामनाएं इनको देता हूं और इनको दीर्घ आयु होने की कामना भी करता हूं। तो जानेंगे कि इनकी लाइफ में किस तरह से अभी कैंसर से जूझ रही हैं, तो किस कारण से ऐसा ग्रहों की दशा थी जो इनको कैंसर की बीमारियां हुई और किस कारण से ये फिल्म जगत में आई, ये सारी चीजों ग्रहों के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्रहों की पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे चंद्रमा जो है, इनके जन्म का समय नहीं मालूम है, तो इनकी चंद्र कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे कि इनकी ग्रह दशाएं क्या क्या है। तो देखिए चंद्रमा जो है मकर राशि में है और अपनी जो है सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, कर्क राशि को देख रहे हैं, तो चंद्रमा की पोजीशन स्ट्रांग है। फिर उसके बाद आप राहु को देखेंगे तो राहु पराक्रम भाव में जाते हैं चंद्रमा से और ये क्या है मीन राशि में बैठे हुए हैं। और उसके बाद यदि गुरु की बात करेंगे तो गुरु जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं मेष राशि में और जो है अपनी नौमी दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, 12वें हाउस को देख रहे हैं, गुरु भी अपने घर को देख रहे हैं। और उसके बाद भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान में जो है केतु, शुक्र, सूर्य और मंगल है। और यहाँ पे शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में दशम भाव में जो है बुध बैठे हुए हैं और शनि जो है वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और अपनी तीसरी दृष्टि से चंद्रमा के घर को देख रहे हैं, मकर राशि को देख रहे हैं। तो ये तो ग्रहों की पोजीशन थी। इसमें खास योग ये है कि बुध का शुक्र से राशि परिवर्तन, बुध का शुक्र से राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं जाके इनको जो फिल्म जगत में लाने का काम किया है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का नीच भंग राजयोग बन रहा है और बुध जो है तुला राशि में कर्म स्थान में बैठे हैं चंद्रमा से। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्र मंगल का जो योग बन रहा है ये एक तरह से विष योग बन रहा है और कहीं ना कहीं यदि चंद्रमा के में तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है और चंद्रमा जो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और हालांकि दृष्टि अपने घर में पड़ रही है तो इनकी जो बीमारी है कैंसर इनको जो हुआ है वो इसी योग के कारण हुआ है। चंद्रमा में शनि की दृष्टि के कारण ये कैंसर का योग हुआ है, राहु की दशा चल रही है तो इसलिए ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और इस कारण से। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो भी है तो काफी लॉन्ग टाइम तक तो नहीं रहेगा, ये जल्दी ठीक हो जाना चाहिए क्योंकि चंद्रमा की शनि की अपने घर में दृष्टि पड़ने के कारण चंद्रमा का विष योग जरूर बन रहा है लेकिन चंद्रमा की भी साथ में भाव में अपने घर में दृष्टि पड़ रही है। तो दृष्टि तो जो है संबंध बना हुआ है लेकिन चंद्रमा अपने घर को खराब नहीं करना चाहिए और इसलिए ये इस बीमारी से जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। देखते हैं ग्रहों की पोजिशन क्या कहती है। तो ये तो एक संक्षिप्त जानकारी थी हिना खान जी की जन्म कुंडली के बारे में। दोस्तों यदि आप अपनी कुंडली का भी एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।